नमस्कार प्रियजनों, आज तीसरे भाग में आप लोग सुनेंगे श्री रामचरितमानस से लिया गया धनुष भंग प्रसंग, उसके आगे की कथा। जब श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए चलते हैं तो लक्ष्मण जी जब देखते हैं तो क्या भाव रहता है और क्या कहते हैं। लखन लखेउ रघुवंश मनि ताकेउ हर को दंड, पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मंड। लखन लखेउ, लखन लक्ष्मण जी ने, लखेउ मीन्स देखा। जब लक्ष्मण जी ने देखा रघुवंश मन रघुकुल के मणि अर्थात श्री रामचंद्र जी को, कि श्री रामचंद्र जी ताकेउ हर को दंड, हर माने भगवान शिव का कोदंड धनुष, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने के लिए, तोड़ने की दृष्टि से उसे देख रहे हैं। पुलक की गात बोले वचन, तो उनका हृदय भी बड़ा रोमांचित होने लगा, उनका शरीर रोमांचित हो उठा और वो कहने लगे, बोलने लगे कि चरण चाप ब्रह्मांडे, और अपने अब हमें अपने चरणों से इस ब्रह्मांड को, इस ब्रह्मांड को दबा लेना चाहिए। आगे क्या होता है वो सबको सचेत करते हुए कहते हैं लक्ष्मण जी। दिस कुंज रहूं कमठ अहि कोला, धरऊ धर निधर धीरन डोला। दिस कुंज रहूं, हे दिग्गजों, मतलब दसों दिशाओं के हाथियों, सबको संकेत कर रहे हैं, सबको सचेत कर रहे हैं कि हे दिस कुंज रहूं, दिस माने दिशाओं के कुंज रहो हाथियों, दसों दिशाओं के हाथियों, दस दिशाएं यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईशान आग्नेय वायव्य नैऋत्य ऊर्ध अर्ध, ये दसों दिशाएं होती हैं। इन दसों दिशाओं के हाथियों यानी कि दिस कुंजरम कमठ कक्षप, कमठ मीन्स कक्षप, हे कक्षप, अहि सर्प यानी कि शेषनाग, हे शेषनाग, कोला, कोला मीन्स बारह, हे बारह यानी कि हे दसों दिशाओं के हाथियों, हे कक्षप, हे शेषनांग, हे बारह, अब आप सभी धरहु धरनि, धरहु संभाल करके रखिए, धरन माने धरती को, धीर धर धीर न डोला, अपने अंदर के धैर्य को धारण करते हुए, धैर्य को धारण करते हुए इस धरती को संभाल करके रखिए, क्योंकि राम चाहे शंकर धन तोरा हो सजग सुन आय सुमोरा। क्योंकि श्री रामचंद्र जी अब शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप सभी मेरी आज्ञा मान करके, आयुष मीन्स आज्ञा, मेरी आज्ञा मान करके सभी लोग सचेत हो जाइए, सजग हो जाइए, जागृत हो जाइए। चाप समीप राम जब आए, नर नारी ने सुर सुरकत मनाए। जैसे ही उस चाप के समीप, धनुष के समीप श्री रामचंद्र जी आए हैं, तो वहां पर उपस्थित समस्त नर नारियों ने अपने पुण्य कर्मों को सुकृत सुंदर किए हुए कार्य, अपने पुण्य कर्मों को याद किया, और उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके अंदर कुछ शंका भी थी। कैसी शंका थी? सब करि संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। वहां पर उपस्थित लोग, ये उनमें ये शंका उत्पन्न थी, ये जो अज्ञानी लोग थे उनके अंदर ऐसी शंका थी कि श्री रामचंद्र जी इस धनुष को तोड़ नहीं पाएंगे, और जहां पर अभिमानी मंद महीपन जो घमंडी राजा बैठे हुए थे वो भी सोच रहे थे कि जिस धनुष को हम नहीं तोड़ सके हैं तो उसको ये श्री राम नहीं तोड़ सकते हैं, ऐसा वो विचार कर रहे थे, अभिमानी राजा सोच रहे थे कि इस शिव धनुष को तोड़ना इनके लिए असंभव सी बात है। भृगुपति केरी गर्व गरुआई, परशुराम जी का गर्व और घमंड तथा उनकी गरुआई गुरुता प्रभुता, सुर मुनि बरनह केरी कदराई,
देवताओं तथा मुनियों का उनके प्रति भय जो डर था। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानी कर दारुन दुख दावा। सीता जी का सोच, राजा जनक जी का पछताना और रानी का के दुख का जो दावा नल, जिस दुख की आग में वो जल रही थी, वो सब शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। ये सब जो सीता जी का सोच था, राजा जनक का पछताना था, मुनियों का भय और रानी का यानी कि सीता जी की माता जी का जो दुख था, वो दुख और दुख में जलती हुई वो दावानल वो आग, वो सब इस शिव धनुष के शिव धनुष बोहित माने जहाज, शिव धनुष रूपी जहाज में चढ़ करके सब एक साथ चढ़ गए। राम बाहुबल सिंधु अपारा, चाहते पारो नहीं को कड़हारू। सब ये सोच रहे हैं कि कोई किसी प्रकार से राम के उस बाहुबल के बारे में नहीं सोच रहा है, जो अपार सिंधु सागर के समान उनका अपार बाहुबल है, और उनके पास उस जहाज को खेने के लिए कड़हारू कोई केवट भी नहीं है। तो सबकी ये शंका, सबकी ये सोच रहे हैं कि किस तरह से श्री रामचंद्र जी इस धनुष को तोड़ेंगे। तब उस समय श्री रामचंद्र जी ने सभा के बीच में खड़े होकर के चारों तरफ देखा है, तो किस तरह से उन्होंने देखा है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपायन जानी बिकल बिसेख। श्री रामचंद्र जी ने जब समस्त वहां के उपस्थित लोगों को देखा, तो सब जैसे कि चित्र में कोई लिखा हुआ होता है, उस तरह से सब दिखाई दे रहे थे, यानी कि बिल्कुल सब जड़ बने हुए थे। सबके अंदर एक जड़ता सी आ गई थी। उन्होंने जब सीता जी को देखा, चितई सिय कृपायन, जब सीता जी को देखा है तो उनके कृपायन यानी कि कृपा के धाम अर्थात श्री रामचंद्र जी, कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने जब सीता जी को देखा तो पाया है उनकी जानी बिकल विशेष यानी कि विशेष प्रकार से वो व्याकुल हैं, अत्यंत व्याकुल हैं। तो श्री रामचंद्र जी देखते हैं, क्या देखा है। देखी विपुल विकल वैदेही, निमस बिहात कलप समते ही। जब उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को देखा तो ये पाया कि वो इतनी अधीर हो रही हैं, वैदेही मतलब सीता जी इतनी अधीर हो रही हैं कि उनका जो पलक झपकने का समय है वो उस समय एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है, कि वो जल्दी से वो धैर्य नहीं धारण कर पा रही हैं कि जल्दी से वो श्री रामचंद्र जी जाकर के शिव धनुष को तोड़ दें। तब श्री रामचंद्र जी ये सोचने लगते हैं मन ही मन, त्रसित बारी बिनु जो तन त्यागा, मुए करे का सुधा तड़ागा। बिना पानी के प्यासे व्यक्ति ने ये शरीर ही त्याग दिया है, तो उसके लिए उसके बाद जो सुधा यानी कि अमृत, अमृत का तड़ाग तालाब भी व्यर्थ है, अमृत का तालाब उसके लिए व्यर्थ है। कावर खा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुने का पछताने। और उसके बाद में बरसात ही क्या, जब कृषि सूख जाए, खेती सूख जाए और वो समय जब निकल जाए, तो उसके बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। अस जिए जाने जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी। अस जिए जाने जान की देखी, श्री रामचंद्र जी ने अपने हृदय से उनके हृदय की व्याकुलता को देख लिया,
और उनकी व्याकुलता को पढ़कर के श्री रामचंद्र जी बड़े पुलकित हुए, प्रसन्न हुए और उनके प्रति उनका प्रेम देख करके उनका प्रेम और जाग गया। ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना। श्री रामचंद्र जी ने गुरु ही प्रणाम, अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और अति लाघव बड़ी शीघ्रता के साथ में उस धनुष को उठा लिया। और जब उन्होंने धनुष को उठाया है, तुलसीदास जी लिखते हैं, दम के हो दामिनी जिम जब लये हो, पुनि नव बनु मंडल सम भय हो। दम के हो दामिनी जिम जब लये हो, पुनि नव धनु मंडल सम भय हो। इस प्रकार से लगा कि एक बिजली सी चमकी और वो धनुष आकाश में मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब उठाड़े। जब श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष पर पतंचा चढ़ाई तो वहां पर जितने लोग देख रहे थे किसी को पता ही नहीं लगा कि कितनी कितनी देर में और किस समय श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष को उठा लिया और उस पर पतंचा चढ़ा दी है। ते क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवने धुने घोरे कठोरा। और उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष को तोड़ दिया। उस धनुष को तोड़ने के बाद इतनी भयंकर आवाज आई, इतनी कठोर ध्वनि उत्पन्न हुई है कि उस कठोर ध्वनि को सुनकर के क्या होने लगा, भरे भुवन घोरे कठोर रब रवि बाजी तजु मार्ग चले। उस भरे भुवन संपूर्ण भुवनों में घोर कठोर ध्वनि को सुनकर के रब ध्वनि यानी कि शोर बोल को सुनकर के रवि बाज, रवि माने सूर्य के बाज माने घोड़े, सूर्य के घोड़े मार्ग त्याग करके चल दिए। चिक रही दिग्गज डोल महिये कोल कुरुम कल मले, सुर असुर मुनि कर कान दीन सकल विकल विचार ही, कोदंड खंडे ओ राम तुलसी जयति वचन उचार ही। चिकरही दिग्गज, चिकरही चिंघाड़ने लगे दिग्गज हाथी, हाथी चिंघाड़ने लगे, डोल मही पृथ्वी डोलने लगी कांपने लगी, मही माने पृथ्वी, पृथ्वी कांपने लगी। अहि शेषनाग कोल बारह कुरुम कच्छप कलमले सब व्याकुल होने लगे। सुर असुर देवता और दानव अपने हाथों से अपने कानों को बंद करने लगे और व्याकुल होने लगे और ये विचार करने लगे कि आज श्री रामचंद्र जी ने कोदंड खंडे राम तुलसी जयत वचन उचार रही। तुलसीदास जी कहते हैं कि समस्त जितने भी देवता दानव आदि थे वो ये सब विचार करने लगे कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया है और इसके साथ में सब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे, सभी उनका गुणगान करने लगे। यहीं तक ये धनुष भंग की कथा है। जय श्री राम।